नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के साथ। फतेहपुर जिले के खागा तहसील क्षेत्र हंथगांव नगर पंचायत में अचानक छापा मारकर पकड़ा रोड नाली निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने मानक विहीन देख बिगड़े खागा उप जिलाधिकारी प्रहलाद सिंह के तेवर। नदारद रहे जेई ठेकेदार मिस्त्री और लेबर, भरोसे लाख की लागत से निर्मित किया जा रहा है रोड और नाली निर्माण। आप लोगों को बताते चले कि हंथगांव अधिशासी अधिकारी मोहिनी के सरवानी ने बताया कि हमने जेई ठेकेदार को पहले ही बता दिया था कि जांच होने पर काम में गड़बड़ी मिली तो पेमेंट रोक दिया जाएगा, लेकिन ये लोग मनमानी करने से नहीं मानते हैं। और बता दें कि खागा उप जिलाधिकारी प्रहलाद सिंह ने पुनः नाली उखाड़ कर मानव से बनाए और सीधी नाली निर्माण कार्य करें जिससे नाली में गंदगी न हो। और वही घूम कर देखा कि सरकारी धान क्रय केंद्र के बगल में प्राइवेट धान क्रय केंद्र खुला हुआ है, जो अपने पवने दामों में किसानों से धान खरीद कर फिर वही व्यापारी सरकारी कांटे में सरकारी रेट से बेच रहे हैं। यही खेल हर जगह पूरे जिले में चल रहा है। किसानों का धान सरकारी क्रय केंद्रों में धानों में तरह तरह की कमियां निकाल देते हैं, जिससे किसानों को मजबूरन प्राइवेट 1890 बेचकर 1000 रुपए में बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। उसके पीछे का कारण है कि खाद बीज ट्रैक्टर जोताई जैसे खर्च सामने है। एमपी यूज कास्ट ब्यूरो संजय पटेल, कैमरामैन अजय मौर्य, फतेहपुर से। अरे किसी का अंगोछा ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, ये ले अंगोछा दे दो, बाकी लोग पीछे रहो। सेफ सबको रहना चाहिए, देखो हम बहुत सेफ रहते तब लटकते। आपके भाई नहीं रहा है तो प्राइवेट का ऐसे देखा दिन करा छुट्टी के तो जैसे रेट के उन तरह का धान होनी चाहिए। और जैसे तो 1700 भी है, 1800 भी है, 2200 भी है। हुक न ले तो वो यार 1000 रुपया चल रहा है। जौन 11 21 15 09 आई धनवा ही भाव बिकाता है यार। नहीं तो तुम यहाँ कुछ रेट लिखो अपना, ऐसे मैं नहीं कर खरीदने दूंगा। भले तुम्हें सरकार ने अलाउड कर दिया है तो मैं मान रहा हूँ, ये मैं ड्रामा नहीं चलाऊंगा। ही कहीं मेरा सरकारी भी केंद्र है, कहाँ है वहाँ साला आएगा, वहाँ वो लेगा नहीं, कहेगा तेरा भीगा हुआ है, तेरा पक्का है, तेरा ठेढ़ा है धान, ये मेरा धान, ये मेरा धान लगा था उतार रहा सुन ले, तो वो लेगा नहीं और तुम्हारा यहाँ पड़वाई रहेगा और तुम यहाँ खरीदोगे तब से। मैं नहीं चलने दूंगा, पूछता हूँ क्या इसका कोई प्रतिबंध है।